ये लवंग है, लौंग, साइजियम एरोमेटिकम इसका लेटिन नेम है। लवंग आपकी रसोई में मिल जाती है, तकरीबन सबकी रसोई में, और दुर्गा जो नवरात्रे आते हैं उसमें स्पेशली माँ के लिए लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है, इसको उपवास में भी सेवन लिया जाता है। ये काफ़ी उपयुक्त तो औषधि है। कास है, श्वास है, हिक्का में, कफ को बाहर निकालने में, कफ की दुर्गंध को दूर करने में, या मुख रोगों में, कंठ रोगों में लौंग चूसते हैं, या लौंग को चबाते हैं, या लौंग की चाय पीते हैं, या लौंग का दूध पीते हैं, या लौंग का पानी पीते हैं। तो इन सब चीज़ों से मुख रोग या कंठ शोथ दूर हो जाता है, श्वास लेने में जो कठिनाई होती है वो भी ठीक हो जाती है। यदि अपन पाचन रोचक होने की वजह से जिनको भूख नहीं लगती है, भोजन में रुचि को भी बढ़ाता है, पाचन संस्थान को भी ठीक करता है, हृदय और रक्त संचरण संस्थान की मजबूती को देता है। इसका जो तेल है वो आमबात में, कटिशूल में, गृहद्रसी में, वायु विकार जितने भी होते हैं, इवन जो दंतशूल है उसमें भी इसका जो तेल है वो यूज में होता है। इससे कृमि मर जाते हैं और शूल शांत हो जाता है। शिरशूल में, प्रतिष्ठा में, ललाट में इसका लेप किया जाता है। तो लवंगाधि चूर्ण है, लवंगाधि बट्टी है, इस औषधीय रूप में ये मार्केट में उपलब्ध है।